विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं राजन के लिखी झलकी पागल पटाखे वाला, इसकी निर्देशिका अनुराधा शर्मा। तो सुनिए झलकी पागल पटाखे वाला। आइए आइए साहेबान मेहरबान कदरदान, अपनी जानी पहचानी दुकान बड़े मियाँ पटाखे वाले के पास चले आइए। अरे भैया चलो फूटो, दुकान के सामने बेकार भीड़ मत लगाओ। अमा ओ बड़े मियाँ, बोला ना सामने से हट जाओ। हाँ तो मेहरबान कदरदान चले आइए। अमा चले आइए चले आइए। मैंने कहा शर्मा जी, वर्मा जी, महतो जी, वियोगी जी, चले आइए। अजी मोहनलाल, सोहनलाल, गणेश भाई, महेश भाई, चले आइए छोटे मियाँ पटाखे वाले के पास। अरे मैंने कहा अरे दादाजी, पापा जी, मामा जी, चाचा जी, सीधे छोटे मियाँ पटाखे वाले के पास चले आइए। मेहरबान कदरदान चले आइए। अरे भाई जान, अरे जब आपको कुछ लेना देना नहीं तो खामखा क्यों पटाखों को हाथ लगाते हो? हाँ लेना ना देना और चले आते हैं खामखा दुकान के सामने भीड़ लगाने के लिए। हाँ तो आइए साहेबान मेहरबान कदरदान, अपनी जानी पहचानी दुकान यानी के आइए छोटे मियाँ के पास चले आइए और ले जाइए संजू अंजू मंजू के लिए सांप की टिकियाँ, रेलगाड़ी, चरखी और सीटियाँ, भाभी जी के लिए फुलझड़ियाँ। अरे भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, अभी तक काय खड़े हो है? ये मैंने बोला कि सिर्फ तीन आवाजों वाला है, तीन आवाजों वाला। एक जमीन पर होगी आवाज, दूसरी आसमान में और तीसरी दोनों के बीच निकलेगी। है, है? अरे उधर किधर को? अच्छा अच्छा बड़े मियाँ के पास ना, तो जाइए जाइए बड़े मियाँ के पास। और पटाखे उनके अगर नहीं छूटे तो मुझसे बाद में मत बोलिएगा कि छोटे मियाँ आपने पहले कुछ कहा नहीं। देखो 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 छोटे मियाँ हमसे न उलझना। हाँ अजी हमसे भी मत उलझिए आप। देखो मियाँ हमारे धंधे से उलझोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अरे जा क्या कर लेंगे आप है भाई। हमें ओ ज्यादा शोर मचाया ना तो रॉकेट बम में तेरे को बांध कर छोड़ दूंगा। अरे तेरी ये मजाल है। मैं कहता हूँ क्या हो रहा है ये? मैं कहता हूँ हवलदार पलटन सिंह के रहते तुम दोनों की फिर से झगड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हुजूर आप क्यों हम दोनों के बीच पड़ते हैं? ये लीजिए फुलझड़ियों का पैकेट, बच्चों को दे देना खुश हो जाइए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब झगड़ना नहीं बड़े मियाँ, पर तेरा क्या इरादा है छोटे मियाँ? थाने जाना चाहता है क्या? अरे नहीं हुजूर, लेकिन ये आप ये बड़े मियाँ को समझा दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं अबे क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर तेरा विचार क्या है? अरे विचार क्या हुजूर, ये लीजिए फुलझड़ियों के दो पैकेट है, अपने बच्चों को दे दीजिएगा खुश हो जाएंगे। मेरे बच्चों की खुशी की तू चिंता न कर, पर देख आइंदा झगड़ा किया तो तेरी इन सारी फुलझड़ियों को एक ही मिनट में छोड़ दूंगा। ये मैं फिर कहाँ आ गया? पटाखे ही पटाखे, ये तो मेरी वही पटाखों की दुनिया है। अरे वाह रंग बिरंगे पटाखे, ये रही पटाखों की चटाइयां, कितनी अच्छी लग रही है। और वो क्या? हाँ वो रॉकेट बम, कितने अच्छे सजे हुए हैं दुकान में, अगर ये छूटेंगे तो सीधे आसमान में ही फूटेंगे, सचमुच बड़ा मजा आएगा। और ये फुलझड़ियां तो कितनी लाजवाब है, तरह तरह के पटाखे पड़े हैं, सारे के सारे मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए ही तो है। इन सारे पटाखों को मैं आज छूटते हुए आवाज होते हुए देखूंगा। अरे भैया सुनो, ये छोड़ दो इसे। हाँ छोड़ दो इन्हें, आवाज होने दो। क्या 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 कहा साहब, छोड़ दूं इसे?
आपका मतलब है यही छोड़ दूं? देखो देखो बड़े मियां, फिर तुमने मेरे धंधे में अपनी टांग अड़ाई। हाँ, अरे देखो भाई साहब ने पहले मेरी दुकान पर मेरे पटाखों को छोड़ने के लिए कहा है। देखो छोटे मियां, इस बार अच्छा नहीं होगा, इस बार अच्छा नहीं होगा। अरे क्या अच्छा नहीं होगा यार? अरे इन्होंने मेरी दुकान पर छोड़ने की बात की है। मेरी दुकान पर की है? अरे अभी भी मेरी दुकान पर खड़े हैं। अरे तो क्या हुआ? अरे एतवार नहीं है तो पूछ क्यों नहीं? अच्छा तो ठीक है, पूछ लेते हैं। अच्छा भाई साहब, पूछ ले भाई साहब, आप पहले मेरी दुकान पर आए थे ना, मेरी दुकान पर खड़े हुए थे ना, आपने मेरी दुकान पर ही पटाखे छोड़ने की बात कही थी ना। हाँ। ये तो फिर छोड़ के दिखाओ पटाखे। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। देखा बड़े मियाँ। अच्छा आइए भाई साहब, आइए इधर, इधर को आ जाइए इधर। बड़े मियाँ से बच कर, ये बड़ा अजीब आदमी है। आप खामोश रहिए बड़े मियाँ। पहले जो मैं कहता हूँ वो करो। तो बताइए, पटाखों को छोड़ दो। तो अच्छा तो ठीक है भाई साहब, इन सारे पटाखों को यही छोड़ दो, घर नहीं ले जाएंगे आप? वो मैंने कहा ना यही छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो इन पटाखों को, देखना बड़ा मजा आएगा। ना वो तो हुजूर बात सही कह रहे हैं, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन अब ये बड़े कीमती पटाखे हैं हुजूर। तुम इन पटाखों को छोड़ोगे या फिर मैं अगली दुकान देखूं? अरे नहीं साहब, अगली दुकान में क्या धरा है, मेरे पास जो आता है वो कहीं नहीं जाता। आप मेरी बात का लगता है कि बुरा मान गए साहब। ये लीजिए। हाँ ये लीजिए, शुरुआत हो गई पटाखे छूटने की। बोलिए हुजूर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। इन सभी पटाखों को छोड़ दो जाओ, और कुछ बाकी मत रखना। तो हुजूर आप फरमा रहे हैं कि सारे पटाखों को यहीं एक बार में ही छोड़ दूं? हाँ हाँ, अरे तभी तो मजा आएगा। मजा तो आएगा हुजूर, मगर 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 क्या? कुछ नहीं, इन्हें भी छोड़े देता हूँ। भाई साहब यहाँ से हटिए, दुकान के सामने भीड़ मत लगाइए। हाँ, सारे पटाखों की बिक्री हो चुकी है। तो भाई साहब हुजूर आइए इधर आइए, ये रहे बाकी के पटाखे। हाँ, अब ये इनको छोड़े देता हूँ। छोड़े अरे वाह छोटे मियाँ। हाँ बड़े मियाँ, ये सारे के सारे पटाखे तो नहीं छोड़े जा रहे हो, यही छोड़े जा रहे हो? तेरे को क्या मतलब यार? अम्मा छोटे मियाँ प्यारी, तेरी तो अब सारी दुकान साफ हो गई। अरे मेरा भी भला कर दे। मैं तेरे कहते ही समझ गया था बड़े मियाँ कि तू क्या चाहता है। अच्छा तू ऐसा कर, यही रहे हैं, कहीं जाना नहीं है। तो बोलिए भाई साहब, आ रहा है ना मतलब? बहुत बहुत। आप मान गए ना छोटे मियाँ, पटाखे वाले के पटाखे कितने लाजवाब पटाखे हैं। अरे बहुत अच्छे छोटे मियाँ, बहुत अच्छे। बस आप रुकिए नहीं, छोड़ते चले जाइए, छोड़ते चले जाइए, धमाके होते रहने दीजिए। धमाके ही धमाके, धमाके ही धमाके। हुजूर धमाके तो होते ही रहेंगे, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। देश के हर कोने में आप जैसा एक आदमी निकल आए तो हम सारे पटाखे वालों का तो उद्धार हो जाए। हुजूर आप बोलते बहुत ज्यादा है, ये पटाखों की आवाजें बंद कैसे हो गई? अजी तो अभी फिर शुरू किए देते हैं हुजूर। हाँ अमा बड़े मियाँ, अमा बड़े मियाँ इधर को आओ यार कोने में। यही मौका है मियाँ, तुम यहाँ शुरू हो जाओ और मैं गगन मियाँ छक्कन मियाँ सबके पटाखे लेके थोड़ी देर में आता हूँ। संभालो जरा, शुरू हो जाता हूँ। आइए आइए हुजूर। हाँ। काफी इंतजार करवाया आपने भी। ये ज्यादा बात ना कीजिए, बस आग लगा दीजिए इन सारे पटाखों में। बस आप यही खड़े रहिए और तमाशा देखते जाइए। ये देखिए आया मजा। देखा साहब, जो लोग ये देखिए साहब, और ये देखिए आखिरी मजा। हुजूर तो मेरे तो सारे पटाखे खत्म हो गए, मगर आप चिंता मत कीजिए। हाँ छोटे मियाँ, गगन मियाँ और छक्कन मियाँ के साथ पटाखों के साथ इधर ही आ गया। मियाँ आ गया भैया, मैं तो आ गया इस मोहल्ले के सारे पटाखे और पटाखे वालों के साथ छोटे मियाँ आ गया। हम बहुत अच्छा किया। अब एक काम करो, उन सभी को बारी बारी से छोड़ डालो। अच्छा जला डालो। अच्छा आवाजों को थोड़ी देर के लिए भी बंद ना होने दो,
कितना अच्छा लग रहा है, धमाके ही धमाके, धमाके ही धमाके। अरे मुंह क्या देखते हो गगन मियाँ, छक्कन मियाँ, पटाखों को छोड़ना शुरू करो यार। छोटे मियाँ अब जरा पैसों का मामला भी निपट लो तो अच्छा होगा। तुम तो बड़े मियाँ हर काम में जल्दी करते हो यार। अरे तुम समझते नहीं यार, यहाँ सिर्फ अपने पैसों की ही बात नहीं है, इस मोहल्ले के सारे पटाखे वालों के पैसे की बात है। और हम लोगों ने उन्हें बुलाया है तो उन्हें पैसा देने की जवाबदेही हम पर ही है ना। वो तो है बड़े वही बोल रहा। अच्छा तो ये ऐसा करते हैं, चलो पैसे की बात कर ही डाले। मैंने कहा भाई साहब हुजूर, अब पटाखे तो अब खत्म होने आए, अब जरा जो है सो के पैसे का भी हिसाब किताब हो जाते जरा अच्छा रहेगा। पैसे? कैसे पैसे? अरे हुजूर आपको मजाक की बहुत आदत है ऐसा लगता है। खैर छोड़िए इन बातों को हुजूर, बहुत रात हो गई है, बहुत लोगों को पैसे देने, अब काफी देर हो जाएगी। तुम लोग कहीं पागल तो नहीं? क्या? हाँ, पता नहीं ये कैसी दुनिया है, जिधर से भी मैं गुजरता हूँ लोग मुझसे पैसे मांगने लगते हैं। अरे क्या पैसों की खान है मेरे पास? अरे बढ़िया, मैं कहता हूँ दूर हो जाओ यहाँ से, मेरे सामने हट जाओ, नफरत है, नफरत है मुझे पैसे मांगने वालों से। अरे मैंने कहा छोटे मियाँ इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, हाँ एक नंबर का नौटंकी बाज है। कैसे करूंगा मुझे? अरे सारी तलाशी लूंगा तेरी जेब की, तब तो निकलेगा माल। अरे मेरी जेब में क्या है? अरे बड़े मियाँ लुट गए भैया, बर्बाद हो गए। क्या हो गया? अरे बदमाश की जेब में एक पैसा भी तो नहीं है। मैं कहता हूँ मुंह क्या देख रहा भाइयों, मारो मारो। अरे मारो, कोई मारो। अरे क्या हुआ भैया, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? अरे बेचारा नहीं, नंबर ही बदमाश है भैया, बड़ा ढोंगी है, सारे पटाखे हमारे जलवा दिए और कमबख्त पैसे देने का नाम नहीं लेता। अरे मारो यार मारो, अरे भाई मारो, हटो भाई हटो, मारो नहीं। अरे भैया मैं कहता हूँ रास्ता छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब मुझे तो लगता है शायद ये संजू है। डॉक्टर शर्मा जरा गौर से देखिए। हाँ ये संजू है। इंस्पेक्टर साहब संजू हाथ से निकलने न पाए, इसका ख्याल रखिए आप। इसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर शर्मा, पहले मुझे इस भीड़ से निपटने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है हवलदार पटेल सिंह? सर ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मिलकर संजू को बुरी तरह पीट रहे थे। क्या कहा? पीट रहे थे? गिरफ्तार कर दो उन दोनों को। अरे हुजूर भाई बाप क्या? अरे चुप रहो। डॉक्टर शर्मा। हाँ इंस्पेक्टर साहब। संजू से आपको कुछ कहना है? हाँ संजू बेटे सुनो, यहाँ तुम अपना कमरा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? वहाँ तुम्हारे पापा मम्मी ने ढेर सारे पटाखे ला कर रखे। तुम्हारी मीना भी पटाखे ले आई। सच? बिल्कुल सच डॉक्टर, बिल्कुल सच। तब तो मुझे अभी ले चलो, पटाखे छोड़ूंगा, खूब छोड़ूंगा, फिर तो आवाजें ही आवाजें होंगी, बड़ा मजा आएगा ना। चलो 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 मुझे वहां जल्दी ले चलो। चलो चलो बेटा चलो। हाँ खूब पटाखे छोड़ूंगा, पटाखे छोड़ूंगा, पटाखे छोड़ूंगा। हवलदार पलटन सिंह। यस सर। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को थाने ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे इस संजू के बच्चे को मत छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब इसे मत छोड़िए, इसने हम लोगों को तो भिकमंगा कर दिया। सारे पटाखे छुड़वा दिए। चुप रहो तुम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए? संजू पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है। पागल है? हाँ बरसों से इसका इलाज चल रहा है पर अभी तक इसकी दिमागी हालत वैसे की वैसी ही है। इसे सिर्फ पटाखे छोड़ने का पागलपन सवार है। हर समय हर वक्त पटाखा छोड़ना और छूटते हुए देखना चाहता है। ये पटाखों वाला पागल है। पटाखों वाला पागल लुट गए। लगाओ आवाजें मेहरबान कनेक्ट। तो दोस्तों ये थी झलकी पागल पटाखे वाला, इसके लेखक राजन, निर्देशिका अनुराधा शर्मा। आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।